नमस्कार दोस्तों, लीजेंड परीक्षा घर में आपका स्वागत है। 11 जुलाई 2019 आज की डेट है और आज की डेट के मैं करंट अफेयर आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस है इसमें, भारत की किस टेलीकॉम कंपनी ने पहली बार इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल साक्षरता पहल की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है खा, यानी रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने, मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने फेसबुक के साथ मिलकर देश में पहली बार इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल साक्षरता पहल की घोषणा की है। यह डिजिटल साक्षरता अभियान 10 क्षेत्रीय भाषाओं में चलाया जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो है रिलायंस जियो। ओके दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, टाटा समूह ने हाल ही में अपने मोबाइल फ़ोन सेवा के कारोबार को किस कंपनी को बेच दिया है। ऑप्शन है इसमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, BSNL एंड वोडाफोन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भारती एयरटेल। भारती एयरटेल क्यों है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। भारती एयरटेल हाल ही में अपने मोबाइल फ़ोन सेवा के कारोबार को भारती एयरटेल को बेच दिया है टाटा समूह ने। ओके दोस्तों, इस डील के तहत टाटा टेली सर्विसेज ने अपनी पूरी हिस्सेदारी एयरटेल को सौंप दी है। ओके, फिर इसमें एक अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत करने के लिए BSF ने पंजाब और किस राज्य में ऑपरेशन सुदर्शन शुरू किया है। इसका ऑप्शन है आपके राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू और दिल्ली। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है जम्मू। क्यों है ये मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल BSF ने हाल ही में पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत करने के लिए पंजाब और जम्मू राज्य में ऑपरेशन सुदर्शन शुरू किया है, जिसके मुताबिक अग्रिम इलाकों में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों, हजारों सैनिकों को लामबंद किया है। ओके दोस्तों, इसी में एक अगला क्वेश्चन फिर है, निम्न में से कौन सी कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस को बढ़ाने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हैट को खरीदेगी। तो इसमें जो आपके ऑप्शन हैं वो हैं, एक है रिलायंस इंडस्ट्रियल, नंबर दो है इसके गूगल, ठीक है, फिर है अमेजन और IBM। तो इसका जो सही आंसर है वो है IBM, यानी घा। ओके दोस्तों, जिसका आंसर है वो है IBM घा, क्योंकि IT कंपनी IBM में कंप्यूटिंग बिजनेस को बढ़ाने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हैट को $34 अरब, ध्यान रखिएगा, $34 अरब, यानी कि 2.34 लाख, यानी 2.34 लाख करोड़ रुपए में खरीदने की डील की है। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। यह अधिग्रहण IBM के 108 साल के इतिहास में यह उसका सबसे बड़ा अधिग्रहण है। ओके दोस्तों, फिर इसी में एक अगला क्वेश्चन और है, जो है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक किस ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर ड्रैगन फ्लाई नाम का ड्रोन भेजा जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसमें भी यही इसी प्रकार से चार ऑप्शन हैं, पहला है शुक्र, दूसरा है शनि, तीसरा है बुध और चौथा है मंगल। इसमें जो सही आंसर है वो है आपका शनि। अब शनि क्यों है ये जान लीजिएगा। शनि इसलिए है क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर ड्रैगन फ्लाई नाम का ड्रोन भेजा जाएगा। यह ड्रोन 2026, नोट कर लीजिएगा, मैं एक बार आपको और बताना चाहूँगा, यह ड्रोन 2026 में प्रक्षेपित करके 2034 में भेजा जाएगा। इस मिशन की लागत $85 करोड़ के आसपास है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका एग्ज़ाम में अधिकतर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक बर्फ़ पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अध्ययन के लिए कितने देशों के वैज्ञानिकों की एक टीम का गठन किया गया है। इसमें भी इसी प्रकार से चार ऑप्शन है, 17 देश, ठीक है, नंबर दो है 25 देश, नंबर तीन है 30 देश और नंबर चार है 42 देश। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है 17 देश, क्योंकि
जर्मनी का आइस ब्रेकर आरवी पोलर स्टर्न जहाज और 17 देशों के वैज्ञानिकों की एक टीम का गठन आर्कटिक बर्फ पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अध्ययन के लिए किया गया है। इस रिसर्च से केंद्रीय आर्कटिक क्षेत्र के मौसम का स्पष्ट अध्ययन किया जाएगा। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर आपको एग्जाम पेपर में ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें इसी प्रकार से चार ऑप्शन है, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व संस्कार दिवस, विश्व शहीद दिवस और विश्व महिला दिवस। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा इसका जो सही आंसर है वो है पहला, विश्व जनसंख्या दिवस। अब ये क्यों विश्व जनसंख्या दिवस है, क्योंकि 11 जुलाई को विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य कार्य जो होता है वो जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। इसकी शुरुआत, ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग, इसकी शुरुआत 1989 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासकीय परिषद द्वारा की गई थी। ओके, इसी में फिर एक और अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने उपग्रह और 32 छोटे उपग्रहों के साथ सोयुज वाहक रॉकेट लॉन्च किया है। चार ऑप्शन है इसमें, पहला है अमेरिका, दूसरा है जापान, तीसरा है चीन और चौथा है रूस। तो इसका जो सही आंसर है वो है घा, रूस। इसका जो सही आंसर है वो है घा, रूस, क्योंकि हाल ही में रूस ने उपग्रह और 32 छोटे उपग्रहों के साथ अपने सोयूज 2.1A वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इनमें से तीन उपग्रहों को रूसी विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विकसित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष मौसम की समस्याओं को हल करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, अधिकतर एग्जामों में आपको ये देखने को मिलता है और NTPC और आगे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में हाल ही में किस देश से आयातित वस्तुओं पर, देख लीजिएगा ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा में हाल ही में किस देश से आयातित वस्तुओं पर 200% शुल्क लगाने का प्रस्ताव पारित हो गया है। चार ऑप्शन है इसमें, पहला है चीन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है पाकिस्तान। तो आपको बताना चाहूँगा इसका जो सही आंसर है वो है पाकिस्तान, क्योंकि भारत के राज्यसभा में हाल ही में पाकिस्तान से आयात वस्तुओं पर 200% शुल्क लगाने का हाल ही में प्रस्ताव पारित हो गया है। राज्यसभा में हाल ही में मसूर बोकिक एसिड एवं डायग्नोस्टिक व लेबोरेटरी रिजिटेल पर बेसिक सीमा शुल्क BCD, जिसे हम बोलते हैं बेसिक सीमा शुल्क, बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका सही आंसर जो है वो पाकिस्तान है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की IEA के अनुसार कौन सा देश समझौते से ज़्यादा यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। इसका पहला ऑप्शन है आपका ईरान, दूसरा है चीन, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है भारत। तो इसका जो आपको बताना चाहूँगा वो सही आंसर जो है वो है इसका पहला वाला, ईरान। ओके दोस्तों, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे हम बोलते हैं IAEA, के अनुसार ईरान देश समझौते से ज़्यादा यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। इस तनाव को कम करने के लिए, ये नोट कर लीजिएगा, मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, इस तनाव को कम करने के लिए फ्रांस ने हाल ही में ईरान में अपना प्रतिनिधि भेजने का फैसला किया है। ओके दोस्तों, थैंक यू।